गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। टुडे इज व्लॉग टू बी क्रिएट अबाउट एग्जाम व्यू। इसमें हम यहां देखेंगे कि आज की मेरा जो सुबह से नाइट तक का जो रूटीन होता है कैसा होता है। इसमें हम ये भी आज देखेंगे कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स और किसी और के नोट्स को कैसे रीड करें, कैसे मतलब तो शुरुआत होती है मेरी सुबह के 4:45 AM से शुरुआत होती है मेरी। सो मैं 4:44 AM से शुरुआत करती हूँ 4:45 AM से। तो इस टाइम मैं स्टडी क्या करती हूँ सब्जेक्ट का, वो इस सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग। उस सुबह में मेरा माइंड शांत होता है और एकदम पीसफुली मैं कोई भी चीज़ को कवर कर पाती हूँ। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक, एक सेमी कॉलन, एक पॉइंट, थोड़ी सी भी चीज़ की मिस्टेक करो तो आपको वो एरर शो होता है और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये जो प्रोग्रामिंग का बुक है हम लोग का PCA में, उसमें हम लोग को आई थिंक पीसफुली जगह पे यानी पीसफुल माइंड, शांति सा दिमाग करके उस चीज़ को कवर करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि 4:45 PM में वो बहुत ही शांत माहौल होता है, इसलिए मैं इस टाइम उठ के प्रोग्रामिंग करती हूँ 4:45 to 6 PM AM। ठीक है, उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होता है। इसके बाद मेरा टाइम होता है कि थोड़ा मैं सो जाऊं, क्योंकि मुझे नींद ना बहुत ज़्यादा आती है। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ 8 बजे 8 बजे तक, ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील कर सकूं एंड जो भी मैंने पढ़ा है उसको स्टोर कर पाऊँ इसलिए मैं 8 बजे तक फिर से सो जाती हूँ। 6:30 के बाद से 8 बजे तक सो जाती हूँ एंड देन मैं अपने नोट्स को कवर करती हूँ, PDF बनाती हूँ और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना होता है तो मैं करती हूँ। फिलहाल मेरा जो थीम चल रहा है जून 2021 का, उसमें मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड करा था। तो अभी आज मेरा जो सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग मतलब डेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ्स का ब्लॉक टू का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर है, जो कि आज मुझे वो कंप्लीट कर लेना है। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करे, मतलब जो भी मैंने टिक आउट करा है उसको मैंने आज कंप्लीट करना है। तो चलते हैं PDF की तरफ और देखते हैं कि आज हिसाब से आज मेरा मैथ्स है और मैंने आज कवर करना है ब्लॉक टू का यूनिट 2। तो चलते हैं PDF की तरफ, आज उसमें खंगालते क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से निकाले उनको सॉल्व करूंगी, जो कुछ अपने से होगा करूंगी, अदरवाइज बुक आंसर ठीक है। तो चलते PDF की तरफ और स्टार्ट करते हैं मैथ्स अपना। और ये जो सेशन है 9 बजे से है, 9 to 9 to, जितना जब तक कंप्लीट नहीं होता मैथ्स तब तक का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस बीच में एक आपको टिप्स दूंगी कि अगर मैंने अपनों को बताया कि नोट्स, इफेक्टिव नोट्स कैसे रेडी करा जाए, सबसे पहली बात कि आप जो भी नोट्स जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनाना चाहते हो उस नोट्स को, उस चीज़ को देखो कि कंटेंट कितने हैं आपको, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट कौन से हैं, आपके पास टाइम कितना है उसके बाद से आप उस सब्जेक्ट को
डिवाइड करो टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, एंड उसको कवर करने की कोशिश करो कि एक मंथ बचा हुआ है। आई डोंट नो कितना डिले होगा, बट फिलहाल तो एक मंथ का लगाया जा रहा है। तो इस इफेक्टिव नोट्स के लिए आप लोग इस चीज़ का प्रयोग करें जरूर। और एक मैं 4A पेपर जो होता है ना, उसको यूज़ करें इफेक्टिव नोट्स के लिए। कलरफुल थोड़ा बनाए, उतना भी कलरफुल क्रिएटिव ना बनाए कि आपको क्रिएटिव करने, आर्ट्स एंड क्राफ्ट करने में ही टाइम चला जाए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जितना मतलब कम से कम हो कलर्स का यूज़ करना, मतलब क्रिएटिव, ज़्यादा क्रिएटिव करना उतना ही करें, और खुद के हिसाब से उस नोट्स को बनाएं। और दूसरे के नोट्स को कैसे रीड करना है वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। दूसरे के नोट्स को उसी के नोट्स के अकॉर्डिंग मत करो, पहले अपने अकॉर्डिंग अपने कॉपी में अटेम्प्ट करो, लिखो कैसे है, क्या है, उसने किस हिसाब से कंटेंट को रेडी करा है, आप किस हिसाब से अपने तरीके से करोगे, ठीक है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हम लोग को मतलब यू नो टाइम को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को अपने पढ़ाई में लगाना चाहिए। एंड एक और थिंग कि कुछ बच्चे यू नो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं। फ़ोन का यूज़ उसी भी स्टूडेंट को करना चाहिए जो स्टूडेंट अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत से स्टूडेंट अपने पढ़ाई को फर्स्ट सेशन कंप्लीट करते हैं, सेकंड सेशन के लिए जो बीच में गैप होता है उस सेशन में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, एंड देन मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते रह जाते हैं। उनको फ़ोन छोड़ना है, याद ही नहीं आता कि मुझे फ़ोन छोड़ के पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तभी प्रयोग करें जब आप उनके टाइम के अकॉर्डिंग उस फ़ोन को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को मैं ये हिंट करूँगी, सलाह दूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जाके यू नो अपने छत पे, एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो यू नो बाहर जाना सेफ नहीं है ज़्यादा, अपने छत पे जाओ, टेरिस पे जाओ, ठंडी हवा को अपने अंदर समाओ, यू नो थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा अपने आप को वॉक करो, एक्सरसाइज करो, यू नो उतना ही टाइम में। और अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखें, अपने साथ कुछ चिप्स वगैरह यू नो रखा करें कि ताकि आप लोग को उठ उठ के वापस जाना नहीं पड़े कि हाँ मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मेरा जो वो खाने का मन कर रहा है। अब खाते खाते भी पढ़ाई कर सकते हो अगर वेफर्स जैसे चीज़ हो तो, गीला ना हो, सूखा हो तो, ठीक है। तो चलते अपने PDF की तरफ और हम देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ठीक है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं उस PDF को सॉल्व करते हैं, एंड देन आपको मिलती हूँ मैं उस PDF के पढ़ने के बाद, यानी जब ये मेरा सेशन कंप्लीट होता है देन आपके पास मैं आती हूँ नेक्स्ट रिपोर्ट। तो मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ आज Unit 2, तो Unit 2 कंप्लीट करके मैं आपको वापस मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी स्टडी करो। मैंने मैथ्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे, थोड़े वेफर्स खाएंगे और मैं आप लोग को बताने वाली थी कि आप लोग इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करो, मोटिवेट कैसे रहो, यू नो। तो मैं आप लोग से मैसेज से ये क्या तैयारी हो कि अगर आप लोग को कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है और कोई सब्जेक्ट बहुत ही इजी वे लगता है, तो आप क्या करो कि पहले स्टडी इजी से स्टार्ट करो, ठीक है। इजी थोड़ा देर कवर करो और एक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आप बोलो अपने माइंड में कि नहीं मुझे हार्ड वाले भी कंप्लीट करना है। आप हार्ड वाले की तरफ भी जाओ और हार्ड वाले को भी अपने हिसाब से जो हार्ड आप लोग को लगता है वो उसे भी कंप्लीट करो, और इस हिसाब से इस थिंग से पढ़ो कि मेरे पास टाइम नहीं है
जितना टाइम मिल रहा है मैं उस टाइम में कवर कर लूँ। आप इस थिंक में रहो कि हाँ मुझे कुछ देर के बाद कोई काम है तो मैं इसको पहले स्टडी करूँगा या करूँगी, अगर मैं स्टडी नहीं करूँगी तो फिर मैं पढ़ूंगी कैसे, यू नो। तो आप इस थिंक में करोगे तो शायद आप लोग का ये थिंक रहे कि हाँ मुझे स्टडी करना है, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर काम हो जाए, काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम है तो फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल यही रहता है, मैं इसी थिंग से स्टडी करती हूँ, दैट्स व्हाई मैं स्टडी कर पाती हूँ। एंड वैसे रियलिटी में मुझे काम कोई नहीं होता है, मैं अपने दिमाग को एक कमांड देती हूँ कि नहीं मुझे एक काम है उसको कंप्लीट करने से पहले मुझे ये चीज़ कंप्लीट करना होगा, तब मैं उस काम की तरफ बढ़ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो इस चीज़ को भी आप कवर करना अपने आप में, और थोड़ा सा भी अगर डीमोटिवेशन लगे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वो मोटिवेशन वाला वो कोई वीडियोस देख लो और आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि यार क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेट भी रखें और साथ में वेफर्स वगैरह अपने साथ रखें एक दो पैकेट, और मैं हमेशा ये नहीं कह रही कि ईट करते रहो ईट करते रहो, ऐसे यू नो मन जब तुम्हारा कहे कि नहीं अब बस रहने देते हैं ना यार कितना स्टडी करेंगे, देन तब तुम मतलब आई मीन जो भी ऐसा थिंक आए तो एक वेफर्स खा लो या फिर चिप्स वगैरह जितना भी जो भी होता है जो चीज़ उस चीज़ को खाओ और थिंक करो कि अरे नहीं यार मैंने इतना पैसा खुद पे लगाया है, मम्मी पापा ने लगा रखा है, आखिर निकलेगा कैसे, पढ़ेंगे तो निकलेगा ना। तो ये थिंक से आप स्टडी करोगे तो शायद आप लोग को मोटिवेट हो जाए, और स्टडी के जो सामने वाला वॉल होता है उस वॉल पे अपना जो भी गोल है उसको सेट कर लो ताकि आप लोग को आसानी हो उस गोल को कवर करने के लिए। आप लोग मुझे पता है ये सब बोलने के बाद आप लोग के दिमाग में सिर्फ करेगा ओह ये तो मुझे वैसे ही ऑलरेडी पता था, आपका माइंड कुछ ये इस सिचुएशन में होगा। ओह अभी खुद को अपने आप से ये ना महसूस होने दे कि यार मुझे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर सकता, यू नो ऐसा थिंक ना होने दे और खुद को हमेशा प्रिपेयर्ड महसूस करें। और जिन बच्चों को भी सब्जेक्ट जो बाकी है, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करके अपने अपने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेना, और पीडीएफ के चक्कर में मत रहना क्योंकि पीडीएफ कभी मिल मैंने जो बनाया और बना रखा होता है वो रहता है कभी नहीं रहता है, यू नो लैपटॉप फ़ोन में सारा छीटा रहता है, मुझे खोज के निकालना पड़ता है क्योंकि कभी मैं फ़ोन से कवर करती हूँ, जब जैसे टाइम मिल जाता है मैं उस चीज़ से कवर कर लेती हूँ। तो इस चीज़ के लिए अगर मांगो, अगर मेरे पास होता है तो खोज के ज़रूर दे दिया करूँगी, अदरवाइज वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात कि MCS 012 की भी वीडियोस अब कंटिन्यू होंगे 21 के बाद से, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ मैं खुद के, तो खुद के नोट्स भी शेयर करूँगी, वीडियोस भी लाऊँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने बच्चे ने मुझे वो कहा कि मैम इस सब्जेक्ट की वीडियो कंटिन्यू करो, नेक्स्ट पार्ट आनी चाहिए आनी चाहिए, बहुत सारे ने कमेंट करा था, तो जरूर आएगा वीडियो, आते रहेगा, हमेशा आएगा, और जब तक इन नहीं होता सब्जेक्ट। और एक और कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, एंड ये भी वीडियो रिक्वेस्ट के ही तौर पे था, ये भी बहुत सारे वीडियोस का रिक्वेस्टिंग था, बहुत सारे कमेंट को मैं कमेंट मेंशन कर दूंगी नीचे, और जिन 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 जिन्होंने कमेंट करा था कि ब्लॉग आनी चाहिए ब्लॉग आनी चाहिए, यू नो ठीक है। तो एक और थिंग, मैं अभी तक तो मैंने अपने आपको बताया कि मैंने मैथ्स का कंप्लीट करा, देन अब मैं क्या करूँगी, मेरा मैथ्स जो कंप्लीट हुआ एक्चुअली 12:51 में मेरा ख़त्म हुआ PM में मैथ्स। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा डिनर लंच करूँगी एंड डिनर के लिए प्रिपरेशन करूँगी सब्जेक्ट्स वगैरह, और उसके बाद 2 या 3 बजे से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँगी 1 आवर, एंड देन 5 से 5 o'clock से मैं फिर से स्टार्ट करने वाली करूँगी
कुछ नोट्स रेडी करूंगी, जो जिन बच्चों ने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट भेज रखा है कि इसके नोट्स रेडी करो, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस चीज़ को देखूंगी। एंड देन फिर 8 बजे तक डिनर रेडी हो जाएगा, एंड देन डिनर खाऊंगी। और उसके बाद से मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है कि मैं प्रोग्रामिंग का वो जो होता है प्रैक्टिकल लैब, वो मैं करती हूँ। और उस टाइम मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो मैं उस टाइम कुछ नहीं यूज करती, ओनली फॉर लैपटॉप वाईफाई, और मैं लैपटॉप में कुछ नहीं ओपन होता है। एंड एक और बात कि आप लोग प्लीज स्टडी अच्छे तरीके से करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत सारे मनी वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को उस मनी को वेस्टिंग मन में मत जाने दो। खुद को अगर मोटिवेट नहीं रख पाते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है ना, कोई भी मैथ सॉल्यूशन हो, प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन हो, असेंबली लैंग्वेज सॉल्यूशन हो, या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कुछ भी, कोई भी सेमेस्टर बीच ही एमसीक्यू, कोई भी जो भी स्टूडेंट है उस चीज़ों उस रिलेटेड चीज़, जहाँ तक मुझसे हेल्प होगा मैं वहाँ तक हेल्प करूँगी। सो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, और मोटिवेशन के लिए यूट्यूब से वीडियोज देखते रहें, एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। एंड देन चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि रात का अगर वीडियोस कर पाऊँ तो मैं इस ब्लॉग में डाल दूंगी, अदरवाइज यहीं तक एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड कीप स्टडी।